वेलकम बैक टू विवास क्रिएटिविटी। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की वजह से लेट हो गया। चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये केक के एम्प्टी कार्डबोर्ड्स हैं, आज मैं इनका यूज़ करूँगी। आजकल का ट्रेंड चल गया है कि हम लोग हर ओकेज़न पे केक तो कट करते ही हैं, फिर इनको फेंकने का मेरा मन नहीं करता है। तो चलिए आज इनका ही DIY बनाते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो ये ऊपर के पोर्शन को कट भी कर सकते हैं, या आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। यहाँ से ये हैंग करने के काम आएगा, आप इसमें होल कर लीजिए। इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर जैसो अप्लाई कर देते हैं। ये मेरा होममेड जैसो है, मैं पहले भी इसकी वीडियो दिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो पहले की वीडियो में देख सकते हैं। बोर्ड का जैसो पूरी तरह ड्राई हो चुका है। अब हम इन पर कोई भी डिज़ाइन कलर करेंगे, लेकिन कलर लाइट होना चाहिए। इस पे मैं लेमन येलो और वाइट कलर मिक्स करके लाइट येलो कलर कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। आप इसकी जगह पिंक या टील ब्लू कलर कोई भी कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों कार्डबोर्ड्स पे कलर कर लिया है। इस पे लेमन येलो करा है और ये पिंक। इसमें क्रिम्सन और वाइट को मिक्स करके मैंने खुद ही बनाया है कलर, और ये लेमन येलो और वाइट मिक्स करके इसमें मैंने एक्रेलिक कलर्स का ही यूज़ किया है। तो चलिए इस पर आगे कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। इसके लिए भी मैं एक्रेलिक कलर का ही यूज़ करूँगी। सबसे पहले इस पर हम इस तरह से पेड़ का तना बना देते हैं। इसको हमें एकदम इवन नहीं रखना है, क्योंकि पेड़ का जो तना होता है कहीं से मोटा कहीं से पतला होता है, इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ये नेचुरल लगे। और इसमें छोटी छोटी सी थोड़ी सी ब्रांचेस भी बना देते हैं। इसी टाइप से कुछ ब्रांचेस ऊपर भी बना देते हैं। अब हम इसमें दो बर्ड्स बनाएंगे। बर्ड्स बनाने के लिए आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें रेड कलर की बना रही हूँ। अब देखिए मैंने दो छोटी छोटी बर्ड्स बना दी हैं स्टेम के ऊपर, और छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ। अब मैं आपको ये फ्लावर के स्टेप से बनाए हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है फ्लावर बनाने का। इस टाइप से छोटे छोटे डॉट्स इसी ब्रश से इसको स्लांटिंग में रख के बनाने हैं। एक छोटा सा स्टेप से फूल क्रिएट हो जाएगा। फाइव या सिक्स लीव्स का छोटे छोटे फ्लावर हम इस पे बना देंगे। कलर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट ये देखिए कुछ ऑरेंज कुछ रेड डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स बना देंगे। अब देखिए मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स पूरे में बना दिए। अब हम इसमें थोड़ी सी लीव्स बना देंगे। लीव्स के लिए मैं डार्क ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सैप ग्रीन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैं हल्की सी लेमन येलो कलर की शेडिंग दे दूँगी। इस टाइप से छोटी छोटी लीव्स बनाते जाएंगे। अब देखिए ये मैंने कटिंग्स मैगजीन्स में से निकाल लिए है, या पेपर के साथ भी इस टाइप के पैम्पलेट्स आते हैं बोटल्स वगैरह के, उसको आप कट कर लीजिए या कहीं से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और फिर उसको स्टेप से थोड़े थोड़े स्पेस पे
प्लेस कर देंगे हम इसको इसको फेविकोल की हेल्प से। देखिए मैंने तीनों कटिंग्स को इस पर स्टिक कर दिया है और इस पर पेंसिल की हेल्प से पहले मैंने इस पर मम्मी दा ढाबा लिख लिया है। अब इसको हम मार्कर से या फिर एक्रेलिक कलर से ब्रश की हेल्प से कलर कर देंगे। देखिए इसमें मैंने मम्मी दा ढाबा एक्रेलिक कलर से ही लिख दिया क्योंकि उसमें इतनी शो नहीं आ रही थी। और इसमें हैंग करने के लिए हम कोई भी डोरी वगैरह ये होल्स होल कर दिया है, इस पर हम डोरी डाल देंगे। अभी क्योंकि कलर गीला है इसलिए हम इस पर डेकोपास ग्लू नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जब ये सूख जाएगा तब इसके बाद इस पर डेकोपास ग्लू अप्लाई कर देंगे। और ये देखिए मेरे दोनों बनकर तैयार हैं। आप भी इसको स्टेप से इसको वायर को डाल के वायर या कोई डोरी वगैरह डाल के इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं इजीली। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा।